अप्रैल 1977 अक्सर करके देखा जाता है और प्रदर्शनी के समाचार भी जाते हैं। तो मूल बात जो बाप की पहचान की है उस पर ही पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वो कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भला अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं हो पाती।
पहले तो बाप की पहचान होना चाहिए ना। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं, मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये मुख्य बात है। बाकी और सिख सिख करने से फायदा नहीं। तो पहले पहले चाहिए बाप की पहचान, और ये बुद्धि में बैठे कि भगवान एक है, सर्वव्यापी अनेक नहीं है, एक व्यापी होकर आता है, वो ही पतित पावन है। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वो ऊंच से ऊंच एक है। अगर ये निश्चय हो जावे तो फिर और जो भी भक्ति के वेद शास्त्र है अथवा गीता भागवत है सब खंडन हो जाते हैं। भगवान तो खुद आकर के कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं समझाया है कि मैं सर्वव्यापी हूं, ये मेरा ज्ञान ही नहीं है। शास्त्रों में तो है ही भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे करके सदगति करके चला जाता हूं, फिर ये ज्ञान कायलों को हो जाता है। और ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर बाद में भक्ति मार्ग शुरू होता है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सब खंडन किए हुए हैं। जब बाप का निश्चय बैठ जावे तब समझे कि ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा समझ लेते, परंतु भक्ति में ज्ञान होता नहीं है। इसलिए ये जो भी शास्त्र है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, इनमें भगवान वाद है नहीं। बल गीता में लिख दिया है भगवान वाद, परंतु कृष्ण तो भगवान हो न सके, राम कृष्ण तो देवता है, मनुष्य को देवता बनाने वाला तो भगवान है। तो देवता और भगवान एक कैसे हो सकते? भगवान अलग और देवता अलग। देवताओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान को तो कलाओं में नहीं माना जाता, भगवान को तो कहा जाता है कलातीत। कलपांतकारी कहा जाता है। कृष्ण भगवान को तो द्वापर के अंत में डाल दिया है,
द्वापर के अंत में आए और चले गए तो कल्पांत कहाँ हुआ? कल्प का अंत तो चतुर्युगी के बाद कलयुग के अंत में ही हो सकता है। तो वास्तव में गीता में भी भगवान वाच नहीं है। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। कृष्ण तो रचयिता है। ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। बच्चे के रूप में कृष्ण की पूजा भी होती है, परंतु वो भी समझ नहीं सकते कि वो किस समय की यादगार है। बच्चा बुद्धि अल्प बुद्धि होती है, तो बुद्धि देने वाला भगवान बाप है। और राम बाप को कहा जाता है। भगवान जब आते हैं तो वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं, क्योंकि भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान तो जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहे हैं, और जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो सब इस चक्कर से पसार होती है। 84 का चक्कर कहा जाता है, 84 लाख का चक्कर नहीं है। ये तो मनुष्य गुरुओं ने मुगालते में डालने के लिए अपने ज्ञान की कमजोरी को छुपाने के लिए लाख वर्ष डाल दिया है। लाख वर्ष बता देंगे तो कोई पूछेगा ही नहीं कि तुमने कैसे 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 जन्मों में पार्ट बजाया। वास्तव में मनुष्य आत्मा तो ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। तो उन सब शास्त्रों में जिनमें 84 लाख की बात कही गई है कि 84 लाख योनियों में आत्मा भ्रमण करती है फिर मनुष्य जन्म लेती है, वो भगवान वाच नहीं है। ये भी जानते हैं कि इस भक्ति से दुर्गति तो होनी है, इन भक्ति की बातों में सब झूठ ही झूठ है, सत्य है नहीं। क्यों सत्य नहीं है? कौन बात नहीं पड़ा भक्ति की बातों में सत्य इसलिए नहीं है, ये सब भक्ति के शास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए, मनुष्य के द्वारा झूठ खंड स्थापन होता है और भगवान के द्वारा सत्य खंड स्थापन होता है। भगवान को ही ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। कहते भी है सत्यम शिवम सुंदरम, वो सच्चा बाप आकर के सत्य युग की स्थापना करते हैं। इसके द्वारा सच्चे बच्चों के द्वारा सत्य बाप को सच्चाई बहुत पसंद है। जो झूठे हैं वो
वो युद्ध खंड स्थापन करते हैं। भगवान के आने पर भी सत्य का साथ नहीं दे सकते, झूठ की दुनिया का ही साथ देते हैं। बाप आकर बताते हैं कि लाखों वर्ष का कल्प नहीं है, ये लाखों वर्ष के कल्प की बात शास्त्रों ने कौन ने बताई? मनुष्य गुरु। मैं तो कहता हूँ कल्प 5000 वर्ष का है। ऐसे तो मनुष्यों ने भी कोई कोई ने लिखा है शास्त्रों में कि हरियुग 1250 वर्ष का होता है, परंतु व्याख्या करने वालों ने देवताओं के दिव्य वर्षों से उसको गुणा कर दिया। तो पहले पहले मुख्य बात पहचानने की है कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक बाकी सब समझाने का असर नहीं रहेगा। और सारी मेहनत इसी बात को समझाने में है कि भगवान कौन है। भगवान है ही जो कब्र दाखिल हुए पड़े हैं उनको जगाने के लिए, ये देह अभिमान की मिट्टी है जिसे कब्र कहा गया है, सब इस मिट्टी में दबे पड़े हैं। एक भी आत्मा अभिमानी नहीं बचता। तब मैं इन कब्र दाखिलों को आकर के आत्म की स्थिति में स्थित कराता हूं, बताता हूं कि तुम ये मिट्टी नहीं हो, ये देह मिट्टी है, ये देह की उपाधियां हैं जो तुम अपने को समझते हो। आत्मा इस देह में प्रवेश करके कार्य करती है। देह विनाशी, आत्मा विनाशी, आत्मा सब परमात्मा बाप के बच्चे हैं। और जो बच्चों का रूप सो बाप का रूप। आत्मा अविनाशी, बाप भी अविनाशी, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा बिंदु, परमात्मा भी बिंदु। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और चक्र में आने के कारण अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती है। और परमात्मा बाप कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, हद में भी नहीं आता और बेहद में भी नहीं आता। बेहद का जन्म मरण का चक्र अर्थात निश्चय अनिश्चय का चक्र। परमात्मा बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके आता है, एक व्यापी बन करके आता है,
उसको कभी भी निश्चय निश्चय का चक्र नहीं आ सकता। और सब मनुष्य आत्माओं को निश्चय निश्चय का चक्र आता है। तो पहले ये बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान बाप कौन है। इन शास्त्र आदि के पढ़ने से कोई नहीं जागेंगे। परमपिता परमात्मा है, ज्योति स्वरूप। कोई स्थूल ज्योति की बात नहीं है। कौन सी ज्योति है? चैतन्य ज्ञान की ज्योति है। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी हुई है, इस कारण तुम बच्चों की ज्योति उझानी हुई है। ज्ञान की ज्योति ठंडी पड़ी हुई है, तमो प्रधान हो गई। तो पहले पहले बाप का परिचय न देने से, फिर जो भी मेहनत आदि करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वो कुछ भी काम का नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती नहीं है। अगर निश्चय हो जाए तो बरोबर समझे कि हाँ, ब्रह्मा द्वारा परमं पिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख करके कितना मुझते हैं। क्योंकि ज्ञान की पहचान नहीं है। इन साथ आदि तो सब भक्ति मार्ग की झूठी सामग्री है। इसलिए ये सारी दुनिया ही झूठ खंड हो गया है। तुम बच्चे अभी जानते हो कि भगवान अब पास होकर के गया है। भक्ति मार्ग भी पास होकर के गया है। कलयुग में होता है भक्ति मार्ग, और कलयुग के अंत और सत्युग के आदि संगम पर होता है ज्ञान मार्ग। अभी हम संगम युग पर हैं, और भगवान से राजयोग सीख रहे हैं। दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए, और इस समय जो संगम युग में नहीं है वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो कौन संगम युग पर है? ब्राह्मण बच्चे। और कौन संगम युग पर नहीं है? बाप के सम्मुख पर, जो बाप को सन्मुख अनुभव करते हैं, ब्रह्मा का बच्चा अपने को अनुभव करते हैं, अथवा बच्ची अनुभव करते हैं, वो संगम युग पर है। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं, ऐसे नहीं कि हम ब्राह्मण इस संगम युग पर इस दुनिया में बैठे हैं और ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में। वो तो 63 जन्म भी मानते चले आए तो नई बात क्या हुई? भगवान बाप तो प्रैक्टिकल में आता है, एक मुकर रथ में एक व्यापी बनकर के आता है। जो संगम युग पर नहीं है वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाते हैं। कौन? दुनिया वाले। दुनिया वाले तो होते ही जाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिनके सन्मुख भगवान नहीं है, वो संगम युग पर न होने के कारण
दिन प्रतिदिन तम प्रधान बनते जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, क्यों? क्योंकि मनुष्य गुरुओं की मत पर चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। रावण अनेक सिरों से अनेक मत देता है, वो राम को नहीं पहचानते जो एक सिर वाला है, एक मत देने वाला है। इसलिए वो तमो प्रधान होते जाते हैं और तुम तत्व प्रधान बनते जाते हैं। उस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जाता है। ये समझने की बातें हैं। समझने वाले भी नंबरवार बाबा रोज की ताकीद करते हैं कि पहले पहले जब तक एक बाप का परिचय नहीं होगा तब तक कुछ भी समझ में बैठेगा नहीं। वो ब्राह्मण क्या कहते हैं, हमें तो एक बाप का परिचय है, एक बाप है बिंदी। अरे तो सभी आत्माएं बिंदी है, बाप भी बिंदी और सभी आत्माएं भी बिंदी, तो फिर फर्क क्या रहा? फर्क बताते नहीं। वो बिंदी सदा परम नाम बाती है और जो बिंदु बिंदु आत्मा है वो जन्म मरण के चक्र में तो दुनिया में आती है। तो क्या भगवान इस दुनिया में नहीं आता है? आता है, भगवान भी तो इस दुनिया में आता है। आता है तो फिर पता कैसे पड़े कि ये भगवान है? ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? परिचय तो चाहिए ना। सिर्फ बिंदी कहेंगे तो परिचय साबित नहीं होगा। इसलिए बोला कि अच्छी तरह समझा करके उनसे लिखाना चाहिए निश्चय पत्र, नाम रूप देश काल सब कुछ लिखाना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती होंगी। किस बात पर निश्चय बुद्धि? बाप के ऊपर। जो बाप प्रैक्टिकल में एक व्यापी बनकर इस धरती पर आता है उस पर निश्चय बुद्धि जो होंगे तो विजयी होते जाएंगे। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत हो गई है, बाप को याद करते ही नहीं है। याद करना बड़ा कठिन हो गया है। बाप को याद करना कराना छोड़कर अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। पक्का निश्चय बुद्धि हुए बगैर और चित्रों की तरफ बढ़ाना ही नहीं चाहिए। और चित्र माना मूर्ति का चित्र है, जब तक पक्का न हो जाए बुद्धि में निश्चयात्मक रूप से न बैठ जाए
कि बाप का पार्ट बजाने वाला कौन है, तब तक आगे भी समझाने से कोई फायदा नहीं होगा, निश्चय नहीं है। बाप के ऊपर निश्चय ही नहीं हुआ तो आगे समझाने से कोई फायदा नहीं, क्यों तो फायदा नहीं। अरे कुछ तो ज्ञान की बातें और ज्यादा मिलेंगी ना, सुनते बाप के ऊपर विश्वास नहीं बैठा, निश्चय नहीं हुआ, नहीं समझा तो बाप का बच्चा ही नहीं बना, तो हमारी काम करना वो और धर्म पिताओं के ऊपर निश्चय करने वाला है, उनको अपना बाप समझ कर बैठेगा। लेकिन जो एक व्यापी बाप बन करके आया है उसको बुद्धि में अंत तक नहीं बिठा सकेगा। इसलिए जब हमारे कुल का है ही नहीं, हमारे खून का ही नहीं है, तो हम उसके पीछे मेहनत क्यों करें? मेहनत जबरदस्ती खींच खांच के करेंगे भी तो आगे चल के हमको धोखा दे करके फिर अपने बापों की तरफ चला जाएगा, हमको धोखा दे जाएगा। और जो यहाँ धोखा देगा वो तेसर जन्म भी धोखा देता रहेगा, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होता रहेगा। तो हमें तो चाहिए देवी देवता सनातन धर्म का पक्का, जो मुरली में बोला है तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, जो पक्के होंगे वो किसी और धर्म में कन्वर्ट होकर जा न सके, वो बाप के सिवाय और किसी की बात सुनेंगे भी नहीं। तो जिनको निश्चय ही नहीं होता है वो कुछ भी समझेंगे नहीं, अलग का ही निश्चय नहीं हुआ। तो बाकी बातें तो थोपने के समान है, बाकी बातों में थरा नहीं मारना चाहिए। इसलिए बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, क्या और विस्तार की बातों में जाने से टाइम वेस्ट होता रहता है। किसी की नब्ज को जानते ही नहीं है, इसकी नब्ज में कैसा खून दौड़ रहा है, तो सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि ये है ऊंचे से ऊंचे ज्ञान का सागर। इस सागर में सब सागर समाये हुए हैं, सब नदियां समाई हुई हैं, सब तालाब पोखरे नहरें गड्ढे गढ़ीतियां सब इस सागर में समाने वाली। ये ज्ञान का सागर है, सुप्रीम टीचर, इसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। ये सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने वाला है,
इसको कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। और बाप ये ज्ञान अभी ही दे रहे हैं। अभी संगम पर ही देते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है संभवामी युगे युगे कि मैं हर युग में आता हूँ, ये बात झूठी है। भगवान को तो कहा जाता है कल्पांतकारी, तो कल्प के अंत में ही आवेगा। सतयुग में त्रेता में द्वापर में क्यों आवेगा? संगम युग पर ही आता है और पुरुषोत्तम संगम युग में आता है। द्वापर के अंत में पुरुषोत्तम कहां से आए? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत, कलयुग के अंत में आता है। पर कलयुग के अंत क्या पूछ रहे हैं? आप पढ़ रहे सुखी देता था पर अब कलयुग के अंत है, चारों युगों में नहीं आता, कलयुग के अंत सिर्फ कलयुग के अंत में आता। अब फिर बोले मैं शास्त्रों में जो लिख दिया है कि हर युग के अंत में आता है, वो संगम युग की बात लिख दी है। जब संगम युग में आता है तो चार युगों की शूटिंग कराता है, हर युग की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है। बाकी ऐसे नहीं कि वो हर युग में आता है। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है, जो आवे उसका नाम ही है सत्य का युग। झूठ का नाम निशान वहां नहीं रहता। उस युग की स्थापना ही सत्य बाप करता है। जो सच्चा पातशाह कहा जाता है, पीछे द्वापर से शुरू होती है भक्ति, इसको कहा जाता है दुर्गति। इसको भक्ति, भक्ति माने भागना। तीर्थों में ठिकानों में गुरुओं के पीछे भागते रहते हैं, कहीं बुद्धि एकाग्र नहीं होती, धक्के खाते रहते हैं। भक्ति को दुर्गति क्यों कहा जाता है? बुद्धि एकाग्र है तो सदगति, और बुद्धि अनेक के आगे पीछे घूमती रहती है तो दुर्गति। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा की ही सदगति होती है और दुर्गति होती है। दुष्ट मन दुर् अर्थात सत्य, सच्ची गति सत्य बाप आकर कराते, दुर्गति दुर्जन कराते हैं। दुर्जन है कौन? जो झूठी बातें सुनाते हैं, खुद भगवान को जानते भी नहीं तो भी कल्पना की बातें सुनाते रहते हैं। क्या तो कह देते हैं देखो हम ही भगवान हैं। यहाँ बाप कहते हैं कि जो अपन को भगवान कहते हैं वो है बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप। क्योंकि भगवान जब आवेगा
तो आपन को कभी भी भगवान नहीं कहेगा। भगवान को भगवान कहने की दरकार ही नहीं। होता जाना बात बाप के लिए दुर्गति का आवाज निकलता ही रहता है। इसलिए बाप कहते हैं जब दुर्गति पूरी होती है अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। चाहे 2000 वर्ष के दुर्गति मार्ग की बात हो, भक्ति मार्ग की बात हो, और चाहे शूटिंग पीरियड की बात हो। शूटिंग पीरियड में भी निंदा होती है या नहीं होती है? सबसे ज्यादा निंदा किसकी होती है? उसके बाद नंबर 2 में निंदा ब्रह्म की होती है। तो बाप के लिए दुर्गति का आवाज निकलता है। इसलिए जब दुर्गति पूरी होती है मेरी निंदा पूरी होने का टाइम आ जाता है, अति हो जाती है, तब अति का अंत करने के लिए मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। आधा कल्प उनको निंदा करनी ही है, इनको है को नहीं जानते मनुष्यों को अनिश्चय बुद्धियों को घड़ी घड़ी निश्चय घड़ी घड़ी अनिश्चय अनिश्चय होता है तो निंदा करते हैं, निश्चय होता है तो महिमा करते हैं। जिनकी भी पूजा होती है उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं रहता, तो पूजा करने का फायदा क्या हुआ? चाहे देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे देवियों की पूजा करते हैं, और चाहे शिव के मंदिर में जाकर के निराकार की पूजा करते हैं, पूजा करते रहते हैं, आत्मपेचन को जानते हैं। 14 अप्रैल संस्कृत की वाणी का दूसरा दिन। तुम बच्चे बैठ इन बातों को समझाते हो क्या? भक्ति मार्ग में जो भी पूजा होती है, कर्म कांड होते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो सब कहाँ की यादगार है? इसके संगम की यादगार है। जिनका खुद का ही बाप से योग नहीं है तो वो दूसरों को क्या समझा देंगे? बलशिव बाबा कहते हैं परंतु कहने वाले खुद ही योग में नहीं रहते तो फिर उनके विकर्म विनाश होना भी मुश्किल है। धारणा नहीं होती है, मुख्य बात है ही एक बाप को याद करना। इस बात में ही माया वाय लोरा डालती है। बुद्धि एक बाप की याद में टिकने नहीं देती। बात ही तो टी टी कितना करते रहते हैं। योग नहीं है तो कोई काम का नहीं। जिनकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाता है
ये बाप आया हुआ है, उनकी बुद्धि में तो याद स्थाई बैठ जाएगी, छप जाएगी, दिल में याद छप जाती है तो फिर भूलती नहीं। और ऐसी याद में जो रहने वाले हैं वो कोई को दो शब्द भी सुना देंगे तो उनके दो शब्दों का भी जादू हो जाएगा, दूसरे के ऊपर हो जाएगा। योग नहीं है तो जरूर देह अभिमानी होगा, बाप से योग नहीं है तो जरूर कोई न कोई को तंग करता रहेगा, बच्चे भाषण आदि करते हैं तो समझ लेते हैं हम ही ज्ञानी को आत्मा है, अहंकार चल जाता है। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा तो हो लेकिन टाटा बहुत करते हो, योग बहुत कम है, योग पर पुरुषार्थ भी बहुत कम है। बाप कितना समझाते रहते हैं कि चाट रखो, सारा दिन में आज कितना याद किया, परंतु समझते नहीं। योग में बहुत बच्चे फेल होते हैं, योग बिना विकर्म विनाश होंगे नहीं, कोई समझते हैं हम 40-25% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि इनका याद 2% है। ये बाबा खुद कहते हैं कि भोजन खाने बैठता हूँ एक दो गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, सोचता हूँ भले उनका बच्चा हूँ परंतु याद तो करना है, फिर भी याद भूल जाती हूँ। समझते हो कि ये ऐसे नंबर वन में जाने वाले हैं, कौन समझते हैं जो याद करते हो? ब्रह्मा बाबा समझते हो? ये किससे कहा? सन्मुख बैठने वाले बच्चों से कहा, वो भी उन बच्चों से कहा जो इमर्ज करके बैठाए जाते हैं, वो समझते हैं। क्या समझते हैं कि है तो बहुत अच्छा नंबर वन में जाने वाले हैं, कौन यह है? पिता था उस समय संसद में, ये ब्रह्मा तो नंबर वन में जाने वाले हैं, ये तुम समझते हो, मैं नहीं कहता हूँ, तुम समझते हो ये नंबर वन में जाने वाले हैं, जरूर इनका ज्ञान और योग ठीक होगा, फिर भी यह बाबा कहते हैं कि योग में बहुत मेहनत है, क्यों? बाबा की तो तन में ही प्रवेश करता है, फिर बहुत मेहनत क्यों महसूस होनी चाहिए?
याद नहीं रहती। क्यों नहीं याद रहती? प्रेशर से जन्मों का हिसाब किताब। प्रेशर से जन्मों का हिसाब किताब। क्या प्रेशर जन्मों का हिसाब किताब? दूसरे के संस्कार, एक दूसरे के अनिश्चय होते नहीं, उनकी बुद्धि में भी बैठा हुआ है कि गीता का भगवान साकार में कृष्ण है। तेसर जन्मों के बुद्धि में बैठा हुआ है क्या? गीता का भगवान साकार में कृष्ण की सोल है। तो सबसे ज्यादा बुद्धि में किसके ये उल्टी बात बैठी होगी? सबसे ज्यादा तो जो कृष्ण की सोल होगी उसको नकार रहेगा कि मैं गीता का साकार में भगवान हूँ। परंतु कृष्ण तो गीता का भगवान हो नहीं सकता। तो बहुत मेहनत महसूस करके ट्रायल करो, देखो, फिर अनुभव सुनाओ, समझो। कोई दर्जी है, कपड़ा सिलाई करते हैं, देखें कि मैं बाप की याद में रहता हूं कि नहीं है? कपड़े कैसे सिलाई की जाते हैं है? मनन चिंतन मंथन करते हैं तो बुद्धि तो चलती है ना? क्या बुद्धि चलती है? कि तेसठ जन्मों में कौन कौन का क्या क्या पार्ट है, किन किन कपड़ों के साथ है। अगर बाप की याद में रहकर सिलाई करें तो ज्ञान का धागा भी अच्छा पकड़ेगा। ट्राई करें, फिर अनुभव सुना दे, देखें कि मैं बाप की याद में रहता हूं। बहुत मीठा मासूक है, उनको जितना जितना याद करेंगे तो हमारे विकल्प विनाश होंगे और हम तत्व प्रधान बन जाएंगे। तो अपन को देखना है हम कितना समय याद में रहते हैं। फिर बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए, क्योंकि योग में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी टिक टिक करने से कोई कल्याण नहीं होगा। कुछ भी समझते नहीं है कि अलग बिगर काम कैसे चलेगा। समझते हैं कि हाँ भगवान बाप तो बिंदी है, बिंदी है कि अलग है? दुनिया का ज्यादा हिस्सा क्या समझता है भगवान को? बिंदी समझता है, लेकिन भगवान तो अलग में आता है। सिर्फ निराकार, उसका महत्व बुद्धि में बैठे तो बैठना बैठना ना बैठना बराबर हो जाता है। जब तक वो साकार में प्रवेश न करे, और जिस साकार में पहले पहले ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करता है वो ही अलग है। अलग का पता ही नहीं है तो जैसे हीरो का पता ही नहीं है,
जिनको हीरो का पता ही नहीं, वो जैसे जीरो हो जाते हैं। अरब के साथ जीरो लगाने से फायदा हो जाएगा। योग नहीं है तो सारा दिन सवा टाइम खराब करते रहते। बाबा को बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। ओफो बेचारे क्या पद पा गए, इनकी तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप तो बार बार समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो, बाप की याद में रहो, बाप से लव होगा तो श्रीमत पर भी चल सकेंगे, बाप से प्रीत नहीं होगी विपरीत बुद्धि होंगे तो श्रीमत पर नहीं चल सकते। फिर भी सरी गली मन मत पर या मनुष्य मत पर चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाप से प्रीति ही नहीं है। प्रजा तो ढेर बननी है परंतु तुम यहाँ किस लिए आए हो? राजा बने प्रजा बनने के लिए थोड़े ही आए हो। प्रजा बनना अर्थात प्रभावित होना। जो आएगा वो अपनी बातों से प्रभावित करता रहेगा। तो समझना चाहिए हम प्रजा बन गए, जिससे प्रभावित हुए उसकी प्रजा बन गए। तुम तो यहाँ राजा बनने के लिए आए हो। क्या राजा? प्रजा माने आधीन, किसके? राजा। तुम प्रजा बनने नहीं आए हो, तुम तो राजा बनने के लिए आए हो। तो राजा ही पाने में मेहनत है, बल स्वर्ग में भी जाएंगे। कौन? जो सजाएं खाएंगे, प्रजा बनेंगे, बल स्वर्ग में जाएंगे। परंतु सजाएं खा करके पिछाड़ी में आकर के कुछ न कुछ पद पाएंगे। माना जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो पहले आएगी या प्रजा बनने वाली आत्माएं पहले आएगी? राजा बनने वालों को पहले निश्चय होगा और प्रजा बनने वालों को बाद में निश्चय होगा। इसलिए बहुत कहते हैं हमारे घर परिवार में कोई नहीं चलता। बाप कहते हैं तुम्हें तो वरदान मिला हुआ है, एडवांस में चलते हो तो जरूर तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार आएगा। तो क्यों चिंता करते हैं? है ऐसे? अरे बाद में आए तो क्या हुआ? अभी तो संग करते हैं। पहले आएंगे तो कुछ न कुछ ज्ञान की धारणा होगी, राजा ही प्राप्त करेंगे और बाद में आवेंगे तो प्रजापद पावेंगे। प्रजा तो कोई राजयोग सीखने की दरकार है ही नहीं। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। बाप कहते हैं योग में बहुत कच्चे हैं। जो कच्चे होते हैं उनकी निशानी है क्या?
उनकी निशानी है देवान में आकर के छोटी छोटी बातों पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर रूठते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। दम चक्कर मचा देंगे। किसकी निशानी बताई? जो योग में कच्चे हैं उनकी निशानी बताई। यहाँ तो मुख्य बड़े बड़े बच्चों का ये हाल है। कहाँ की बात बताई? संगम योग नहीं, सड़सठ की बात बताई। योग ही नहीं है, योग बल वालों की चरण बड़ी रायल होगी, शानदार चलन होगी। वो बहुत कम बोलेंगे। सर्विस में रुचि बनी रहेगी, कैसे दूसरों को समझा रहे। यह कि सर्विस में हड्डियां भी चली जावे। परवाह नहीं करेंगे, परंतु बाबा कहते हैं याद में जागती रहेंगे तो बाप से लग होगा। कोई कोई है मुख्य ये बात पर ही पकड़ते हैं कि गीता किसने गाई। कोई बच्चे हैं मुख्य किस बात पर पकड़ते हैं? गीता की बात उठाते हैं। कृष्ण का नाम लेकर गीता को खंडन कर दिया है, इस बात पर ही समझाते। गीता को खंडन कर दिया इसलिए भारत इतना हीन हुआ है। दीनहीन किस लिए हुआ? गीता को खंडन कर कि गीता पूरी ही खंडन की हुई है। खंडन की हुई है मनमत्ते, खंडन की हुई है। शास्त्र है इसलिए कृष्ण का नाम डाल, शास्त्र में कृष्ण का नाम डाल दिया इसलिए सर्वव्यापी बना दी। गीता शास्त्र तो वो समझ लेते हैं जड़, लेकिन है चैतन्य गीता माता की बात। एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन होने से सब पावन हो जाते हैं। माता की दुर्गति हुई तो सारी दुनिया की दुर्गति हो जाती है और माता की सदगति होती है तो सारी दुनिया की सदगति हो जाती है। तो इस बात पर बहुत जोर देना है। एक माता है जो 5000 वर्ष में पूरी ही दुर्गति को पाती है।
सारी ही गीता खंडन हो जाती है मनुष्यों के द्वारा। और एक माता है जो कन्याकुमारी कही जाती है, माता है तो दोनों, एक जगत माता है एक भारत माता है। किसके ऊपर सारी दुनिया का मदार है? जगत पिता के ऊपर नहीं, उसमें तो भगवान आया, उसकी दुर्गति संगति की बात ही नहीं, जगत माता की बात है। ओम शांति।